यामाहा R15, नाम तो सुना होगा, बहुत पॉपुलर है, बहुत ही फेयरिंग वाली। ये है विदाउट फेयरिंग नेकेड वर्जन R15 का। जैसा आपको दिख रहा है, इसका नाम रखा गया है MT15, जो कि पहले भी अनाउंस हो चुका है यामाहा की तरफ से कि MT की जो सीरीज़ है वो 900cc की एक बाइक है, उसी से ही इंस्पायर्ड है इसका डिज़ाइन। तो देखते हैं इसमें क्या खास है ऐसा जो R15 में नहीं है। तो मैं हूं प्रदीप सिंह और आप देख रहे हैं इंजन स्ट्राइक। जैसा मैं बात करूं इसके सबसे पहले लुक के बारे में, तो पहले ही आपको नज़र आ जाएगा कि ये देखने में अलग है, लेकिन जो है चेसिस जो है सेम है R15 से। अगर आप ध्यान से देखेंगे फ्रंट लुक को, फ्रंट बहुत ही ज़्यादा रोबोट टाइप का दिया गया है, जैसे आप मूवीज़ में देखते होंगे। यहाँ पे एक नीचे जो है प्रोजेक्टर लैम्प दिया गया है, यहाँ पे जो है LED DRS दी गई है। देखने में तो एक काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लगता है चेहरा। जैसे मैंने बताया कि MT सीरीज की है, तो उसी से इंस्पायर्ड है इसका भी डिज़ाइन, तो वैसा ही देखने में लगता है और बहुत ही अलग बनाएगा ये चेहरा मार्केट में। अगर हम आगे चलते हैं, बात करें इसके टैंक की, तो टैंक जो है वो अलग है R15 से। ये क्यों है? R15 का जो है वो एक तरह से रेसिंग इंस्पायर्ड टैंक दिया गया था, यहाँ पर जो है वैसा नहीं है। थोड़ा सा कम्यूटरिश जिसे हम कह सकें वैसा डिज़ाइन दिया गया है। अगर मैं आगे चलते हुए बात करूँ, जो इसकी सीट्स हैं वो सीट्स दी हुई हैं सिंगल सीट, स्प्लिट सीट नहीं है R15 की तरह। तो ये ज़्यादा जो है थोड़ा कंफर्टेबल को ध्यान करते हुए, कंफर्टेबल राइड को ध्यान करते हुए इसका जो है डिज़ाइन करा गया है। और यहाँ पर जो है मैं बात करूँ पूरे स्विचेस वगैरह की, तो स्विचेस जो हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वालिटी के लग रहे हैं, कोई मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं नज़र आती। तो वैसे ही हैं जैसे यामाहा की दूसरी गाड़ियों में आपको लगेंगे। और उसके आगे जो मीटर है इसका वो फुली डिजिटल है, ये बड़ा साइज़ का है और अलग भी दिखता है, और क्योंकि इसका जो कलर स्कीम है वो अलग है R15 से। और इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, चाहे स्पीडोमीटर हो, RPM मीटर हो, टाइम हो, गेयर शिफ्ट्स हो, यहाँ पर टेम्परेचर का, इंजन वार्निंग स्विच, लाइट या कह लो, सारे जो हैं ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है आपको फीचर मिल जाएंगे जो एक मॉडर्न बाइक में होते हैं। और यहाँ पर मैं एक और बात बताना चाहूँगा, यहाँ पर FZ की तरह ही यहाँ पर जो है आपको टैंक के साथ में ही की का आपको लॉक मिलेगा, जो यहाँ पर अच्छा लगता है इस ऐसी बाइकों में। आजकल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है ये वाला भी डिज़ाइन। और यहाँ पर जो है मुझे देखने में लगता है ये भी कार्बन फाइबर है, जो R15 है वो थोड़ा सा मेटेलिक टैंक में आती थी, तो ये थोड़ा यहाँ पर मुझे फाइबर मिला, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, पीछे चलते चलते मैं, यहाँ की जो टेल है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प लगी हुई है और बहुत ही छोटी जो है टेल लैम्प दिया गया है। यहाँ पर जो है साइड रेल्स जो दिए गए हैं ग्रैब रेल्स, वो यहाँ से होते हुए पीछे तक जारी है, जो कि पकड़ने में बहुत ही अच्छा रहेगा। और तो और आप अगर इसको मूवअप भी कर रहे हैं अपने मैनुअली, आप इसे आगे पीछे कर रहे हैं, तो ये ग्रैब रेल्स बहुत ही काम आने वाली है। ये बहुत ही क्लेवर डिज़ाइन था यामाहा के लिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल भी है और ये काम भी आने वाला है रोज की लाइफ में। यहाँ पर जो है जो एग्जॉस्ट है जो दे रखा है वो R15 की तरह ही दे रखा है, लेकिन यहाँ पर जो है कार्बन फाइबर फिनिश आपको देखने को मिलेगी, जो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है और स्पोर्टी भी है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डिस्क की, डिस्क साइज की, तो डिस्क साइज जो दोनों का ही आगे पीछे का वो R15 की तरह ही दिया गया है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो है इंटरनेशनली अवेलेबल थे अपसाइड डाउन फोर्क, यहाँ पर जो है टेलोस्कोपिक गियर रखे हैं, तो वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक कॉस्ट कटिंग हो सकता है जो यामाहा ने यहाँ पर करी है। तो है ये जो एक्सटेंडेड बॉडी है इसकी, वो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्योंकि जो बॉडी पैनल है वो आगे हो जाता है और ये पूरी तरह पीछे तरह एक्सटेंड हो रहा है, जो देखने में काफ़ी स्पोर्टी लगता है। ये यहाँ पर जो है थोड़े से फ्लैप्स दे रखे हैं, जो देखने में मुझे थोड़े से हल्के लग रहे हैं, लेकिन इसलिए दे रखे हैं कि बारिश में अगर पिलियन राइडर आपका पीछे बैठा हुआ है तो उसकी शर्ट ना गंदी हो जाए, इसलिए दे रखा है। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंड है और देखने में काफ़ी मतलब यंग अपीलिंग लग रहा है। तो यहाँ पर जो है पूरी तरह पूरा इसका जो है स्पोर्टीनेस पूरी तरह इसमें दे रखी है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। है नीचे काफ़ी अच्छा मसल दे रखा है, ये FZ की तरह यहाँ पर भी एक
इनटेक एयर इनटेक का यहाँ पे नेट लगा हुआ है जो देखने में अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है ये प्रैक्टिकल भी होगा। और नीचे ही वैसे इंजन बे और यहाँ पे जो है इंजन पेयरिंग भी दे रखी हुई है। अब इसकी बात कर लेते हैं राइडिंग पोजीशन की। जो राइडिंग पोजीशन है इसका, वो मुझे थोड़ा सा कम्फर्टेबल लगता है, जैसा R15 का थोड़ा सा स्पोर्टीनेस थी वैसा नहीं है, लेकिन हैंडल बार थोड़ा सा ऊंचा आया हुआ है। और लेकिन मुझे ये थोड़ा सा ना जैसा KTM की फील आती है ना, KTM 200 की फील आती है, वैसी फील मुझे यहाँ पर भी आ रही है, क्योंकि हैंडल बार आपके पास में है और टैंक का साइज़ भी हल्का सा आगे की तरफ है और छोटा दिया गया है। उस हिसाब से मुझे जो फील आएगी बैठने की वो काफ़ी मैं कौन स्पोर्टी आ रही है। और अगर आप इसे नॉर्मल स्ट्रीट्स पे चलाएंगे तो ये हैंडलिंग के मामले में और छोटे छोटे कट्स मारने में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहेगी इसकी हैंडलिंग। यामाहा MT-15 की स्पेसिफिकेशन कुछ ऐसी है कि ये ऑलमोस्ट सेम है R115 के, लेकिन कुछ चेंजेस ज़रूर करे गए हैं डायमेंशन के अंदर। अगर सबसे पहले बात करें तो लेंथ और विड्थ में चेंज ज़रूर है, लेकिन वो ऑन पेपर आपको दिखेगा। और इसकी हाइट भी जो है नीची कर दी गई है, तो ये थोड़ी सी आपको नीची राइट का पोजीशन ज़रूर देगी। और इसमें जो है रेयर स्पॉकेट ज़रूर चेंज कर दिया गया है, जो कंपनी का कहना है कि जो इसे ECU को भी साथ ही में रीट्यून करा गया है, ताकि जो है ट्रैफिक के अंदर ये बहुत स्मूथ और आसानी से राइड कर सके। और इसके अंदर सबसे बड़ा चेंज है कि ये इसका जो टैंक है वो छोटा है R15 से, 10 लीटर का टैंक है, R15 में जो है 11 लीटर का टैंक को जो है मैंने चला के देखा है, वो भी बहुत ही कम टाइम के लिए अवेलेबल थी हमारे पास। तो उस हिसाब से जो इसका मैंने एक फर्स्ट एक्सपीरियंस करा है, उस हिसाब से बताना चाहूँगा कि हैंडलिंग जो है काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प है, सॉफ्ट है, मतलब कि एक तरीके से आप जो है इसे काफ़ी अच्छे से हैंडल कर सकते हो। छोटे छोटे कॉर्नर्स में बहुत ही अच्छे से जो है ये हैंडल हो सकती है, तो वो मुझे चीज़ अच्छी लगी। और इंजन जो है रिफाइंड है, जैसा आपको पता होगा 155 cc का जो R15 का इंजन है वही सेम इसमें भी आ रहा है, और तो और VVA टेक्नोलॉजी इसमें भी है। लेकिन ये जो है चलाने में, जब मैंने जितना ऐसे एक्सपीरियंस करा है, वैसे में बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, और पावर डिलीवरी जो है सीधा 6000 rpm के बाद ही मिलती है, और मोटर जो है पूरी तरह रेव करने को तैयार रहती है। इसकी पावर भी वही है 19.3 PS की, और 14.7 Nm का टॉर्क दे रखा है। जैसे बताया कि ज़्यादा देर के लिए बाइक नहीं थी हमारे पास, मुझे उस हिसाब से थोड़े से सस्पेंशन सेटअप लाइट लगे। वैसे तो रोड पूरी प्लेन थी, यहाँ पे थोड़े से ऊपर नीचे हम बम्प्स ज़रूर थे, लेकिन वहाँ पे ये जज कर पाना गलत होगा कि हाँ ये वाकई में सॉफ्टर साइड में है, क्योंकि ज़्यादा लंबे टाइम पे अगर बाइक होती है आपके पास या कुछ ऐसा राइड कर रहे होते तो आप बेटर समझ पाते हो। लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ये महसूस हुआ कि हाँ सॉफ्टर साइड में ज़रूर है, और यहाँ पर मुझे ये लगा कि हाँ जो कंपनी ने काम करा था कि लोअर RPM पे काफ़ी आसानी से मूवन हो जाती है, वो चीज़ यहाँ पर ज़रूर दिखी। और शिफ्ट्स भी जो है काफ़ी अच्छे से हो रहे हैं, मुझे कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ अभी कमी भी दिखाई नहीं देती। अब मैं बात करता हूँ कि इसका प्राइस क्या है। इसका जो प्राइस है वो है 1,36,000 का दे रखा है, जो Ex-showroom का है। लेकिन मैं बात करना चाहूँगा जो इसकी प्राइसिंग है वो कुछ ही हज़ार कम है R15 से। तो यहाँ पर जो है पैकेज सिर्फ और सिर्फ ऐसा है कि ये सिंगल चैनल ABS के साथ अवेलेबल है, डुअल चैनल नहीं है, तो R15 में वो भी अवेलेबल है। अगर आप जो है इसे प्रेफर करते हो तो थोड़ा सा हज़ार, मुझे नहीं लगता कुछ 1000 ही खर्च करने में आपको जो है परेशानी होगी R15 लेने में। लेकिन ये जो है मुझे लगता है कि जो लोग थोड़े से अलग कैटेगरी के हैं, थोड़े से अलग सोच के हैं, जिनको स्वैगनेस चाहिए या यंगनेस चाहिए, तो उसके लिए ये बाइक परफेक्ट है, और देखने में भी ये काफ़ी यंग अपीलिंग है। तो मुझे तो ये काफ़ी अच्छी लगी बाइक। आपको क्या लगता है बताना जरूर कमेंट में। ये था हमारा पहला इम्प्रेशन। तो ये वीडियो कैसा लगा बताना जरूर कमेंट में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंजन ड्राइव।